गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव था पिरचाई। वहां एक स्कूल था जिसके मालिक दीनदयाल जी बहुत अच्छे इंसान थे। वो हमेशा लोगों की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे। स्कूल में नए चपरासी की नियुक्ति की गई, जिसका नाम भोलू था और उसे स्कूल में एक कमरा दिया गया रहने के लिए। चपरासी बड़ा ही हंसमुख था। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन भोलू अपने कमरे में सो रहा था। चांदनी रात, अचानक भोलू की आंख खुलती है। बच्चों की शोर की आवाज से पूरे स्कूल में अंधेरा छाया हुआ था। बड़ी अजीब बात है, इन 6 महीनों में पहली बार आज बिजली गई है, और ये बच्चों का कोलाहल कहाँ से आ रहा है? वो अपने पास पड़ी टॉर्च को ऑन करता है। अब उसे आवाज तेज सुनाई देने लगी। बच्चों के साथ ही उसे एक महिला की भी आवाज सुनाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने गलती से किसी क्लास में बच्चों को बंद कर दिया हो? ऐसी गलती तो मुझसे कभी नहीं होती है। भोलू के दिमाग में अनेकों सवाल उठ रहे हैं और चारों तरफ तेज हवाएं चल रही थी। तभी तीसरी मंजिल पर एक कमरे में लाइट जलती है और भोलू वहां पहुंचता है तो देखकर दंग रह जाता है। सामने बहुत से भूत बच्चे बैठे हैं। सब अजीबोगरीब हैं और एक चुड़ैल टीचर उन्हें पढ़ा रही है। ब्लैक बोर्ड की जगह व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट चौक की जगह खून वाली चौक है, जिससे टीचर ने कुछ बोर्ड पर लिखा है। बच्चों बताओ, अगर गब्बर भूत के पास 6 आंखें हैं और रूपा चुड़ैल के पास 8 आंखें हैं, तो बताओ बच्चों टोटल कितनी आंखें हुई? टोटल 3 आंखें। वेरी गुड, आज तुम्हें खाने में चिकन की कलेजी मिलेगी। थैंक्स मम्मी मैम। पूरी दुनिया उल्टी है यहाँ। बाप रे बाप, ये तो भूतों ने स्कूल बना लिया और यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। 100 से 1 तक उल्टी गिनती यहाँ पढ़ाई जाती है। तभी एक बच्चे भूत की नजर भोलू पर पड़ती है। सभी उसे दौड़ा लेते हैं। भोलू जान बचाकर वहाँ से भागता है। बच्चे इसके पीछे पड़ जाते हैं। अचानक भोलू का पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिरता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने प्रिंसिपल, बच्चे और अध्यापक रहते हैं। ये सब क्या है भोलू? सारे बच्चे तुम पर हंस रहे थे। क्या तुमने रात में शराब पी थी जो ऐसी हालत में स्कूल में पड़े थे? मैं सोया नहीं था सर, और ना मैंने किसी प्रकार का नशा किया था। फिर क्या था? सर मैं बेहोश था। बेहोश थे? कैसे? कुछ देर बाद भोलू प्रिंसिपल के सामने खड़ा होता है। भोलू प्रिंसिपल सर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं और भोलू को बोलते हैं, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना स्कूल की बहुत बदनामी होगी। मैं स्कूल के प्रबंधक से बात करता हूँ, शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा सर। मैं तुम्हारे रहने का प्रबंध कहीं और करता हूँ। नहीं सर, मैं इसी स्कूल में रुकूंगा। अगर बाहर गया रहने को तो लोगों को शक होगा, और मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे स्कूल के बारे में बातें करें। पर भोलू, इस प्रकार तुम्हारी जान को खतरा है। मैं उस वक्त सतर्क नहीं था। अब मैं देखता हूँ कि वो भूत मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। ये स्कूल हमारा है, मैं इसे बचा कर रहूंगा। प्रिंसिपल प्रबंधक महोदय से रात की सारी घटना बताते हैं, और इधर भोलू भी अपनी जासूसी दिमाग लगाता है। वो स्कूल के बारे में आसपास के लोगों से पूछना शुरू करता है, पर उसे कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता। एक रात भोलू को फिर वही आवाज आती है। भोलू इस बार सतर्क हो जाता है और अपना टॉर्च लेकर आवाज वाले कमरे की तरफ बढ़ता जाता है। वो चांद को देखता है तो याद आता है, उस दिन चांदनी रात थी और 2 बजे के करीब उस दिन भी ये आवाज आई थी। कुछ ना कुछ कनेक्शन है इस घटना का। उस रात भोलू वापस आकर अपने कमरे में सो गया, और दूसरे दिन स्कूल के बाद वो प्रिंसिपल सर के साथ प्रबंधक के घर गया। भोलू बताओ क्या हुआ था? मालिक, कल रात फिर वही आवाज आई थी। मैंने एक तांत्रिक से बात की है, वो उज्जैन गए हैं। जब वापस आएंगे तभी कुछ हो सकता है। सर भोलू कुछ पूछना चाहता है। पूछो भोलू। मालिक, क्या किसी घटना का संबंध रात को 2 बजे से है या चांदनी रात से है? वो कुछ क्या पूछ रहे हो, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मालिक, स्कूल में भूत चांदनी रात में 2 बजे के बाद ही आते हैं और चिल्लाते हैं, यानी कि वो कोई संकेत दे रहे हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। ऐसी कोई घटना तो मुझे याद नहीं आती है। इस स्कूल में आपसे पहले प्रबंधक कौन था? मेरे पिताजी थे, और ये स्कूल मेरी माताजी के नाम पर है। ठीक है मालिक, गलती के लिए मुझे क्षमा करिए। भोलू ने उनके घर में न जाने क्या देखा। भोलू फिर से अब चांदनी रात का इंतजार करने लगा।
मगर ये क्या है, बिना चांदनी रात के ही अगली रात फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। हाँ, आज तो चांदनी रात नहीं है, फिर भी ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है? चलूं चल के देखूं, पर एक बात तो है, ये भूत बच्चे और ये चुड़ैल मैडम ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस रात भी मैं ही डर कर भागा था, आखिर माजरा क्या है? भोलू उठकर अपना टॉर्च लेकर आवाज वाले कमरे की तरफ जाता है और आज वो मैडम उसे देखती है और मुस्कुराती है। भोलू को याद आता है, चुड़ैल मैडम का चेहरा तो उसने प्रबंधक महोदय के घर पे देखा था, उस तस्वीर में जिस पर माला लटकी हुई थी, उनके माता जी की तस्वीर। क्या आप प्रबंधक महोदय की माता जी हैं? दुनिया तो यही जानती है बेटा भोलू। लेकिन मैंने पता किया था कि प्रबंधक महोदय सगे बेटे नहीं थे। और क्या क्या पता लगा तुम्हें? यही कि यहाँ स्कूल से पहले एक अनाथालय हुआ करता था, जहाँ पर आप और आपके पति अनाथ बच्चों की देखभाल किया करते थे, बस इतना ही। इसके आगे की कहानी मैं तुम्हें बताती हूँ। हमारी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हम अनाथ बच्चों को अपना बच्चा मानते थे। मेरे पति के कहने पर मैंने बहन की बेटी के बेटे को गोद ले लिया था। उसका चाल चलन ठीक नहीं होने पर हमने उसे घर से निकाल दिया और इस आश्रम में आकर रहने लगा। एक रात दीन दयाल हमारे पास आता है और पैरों पर गिरकर माफी मांगता है। हमें माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ, अब मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह दीन दयाल वहाँ रहते हुए सब पर अपना विश्वास जमा लेता है और प्रॉपर्टी के सारे कागजों पर अपना नाम जुड़वा लेता है और एक रात बच्चों के खाने में जहर मिला देता है जिससे सारे बच्चे मर जाते हैं और रात में किसी को ये बात पता न चले इसलिए वहाँ आग लगवा देता है। ये बात जब माँ को पता चलती है तो उनको मार कर अनाथालय के कुएं में डाल देता है। भोलू, तब मेरी आत्मा भटक रही थी, कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन सकता था, ना ही मुझे देख सकता था। तुमने मेरी आवाज़ सुनी, तभी मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे, हमारी आत्मा को मुक्ति दिलवाओगे? यदि मैं आपके किसी काम आ गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा माता जी। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? जहाँ तुम्हारा कमरा बना है उसके नीचे खुदाई करवाओ, पहले कुआं वही था। पर स्कूल में तो कुआं है ही नहीं। सुबह हो जाती है, चुड़ैल और भूत बच्चे गायब हो जाते हैं। भोलू तैयार होकर प्रिंसिपल महोदय के आने के बाद सारी बात बताता है। प्रिंसिपल महोदय पुलिस को बुलाते हैं और उस जगह की खुदाई करवाते हैं। वहाँ से दो कंकाल मिलते हैं। पुलिस प्रबंधक को गिरफ्तार करती है और सारी सच्चाई कबूल करवाती है। भोलू और प्रिंसिपल सर मिलकर उन कंकालों की अंतिम संस्कार करते हैं। प्रबंधक को जेल हो जाती है। अब ना स्कूल में कोई भूत दिखाई देता है, ना ही रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं।